हेलो बच्चों, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट दी कॉमन फैक्टर्स। कोई कई बार क्या होता है कि जब आप देखते हो, आप क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि इनको फैक्टराइज करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई आइडेंटिटी यूज हो रही हो, या फिर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़े, या कुछ भी ऐसा कुछ करना पड़े। हम देखते हैं क्वेश्चंस में यदि हम पहचान लें कि क्या कॉमन फैक्टर है, तो उनको आसानी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पहला दिया हुआ जैसे 4a² + 8b² × c, इसे मैं फैक्टराइज करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखें क्या आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, यदि आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका a² + 2b² × c। बड़ा आसान है, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड, देखो सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, 5ab - 15aq bq। देखो यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो ए बी हम और कॉमन ले लेंगे। यदि 5ab कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, माइनस यहाँ क्या बचेगा a² b²। इसको हम फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा 1 - 1² - a² - b², तो इट कैन बी रिटन एज 5ab (1+ab) (1-ab). चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a (a+b)³ - 3a²b (a+b). तो यहां देखो आप क्या कॉमन है, तो ये आपका a है मल्टीप्लाई में, यहां पर भी आपके पास a है, तो a हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ a+b³ है, यहां आपका सिर्फ a+b है, तो मिनिमम वाला कॉमन आता है, तो a+b हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो a (a+b) यदि कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा आपका a+b² - ये क्या बचेगा 3, एक ए स्क्वायर से एक a बाहर आ गया, तो ए बी हो गया। और इसे और सिंप्लीफाई करें तो a (a+b), ब्रैकेट ओपन करो a+b² तो ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab - 3ab, और ये हो गया नेक्स्ट स्टेप कैन बी रिटन एज a (a+b) (a²+b²-ab). नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ये नहीं कि यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बनना, नहीं, हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन का आपका ये आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है x² (x-2y) + 3y² (x-2y) + z(2y-x). अब देखो यहां पर हमारे पास x-2y है, चलो अच्छी बात है, यहां पर हमने देखा कि x-2y है, बिल्कुल यहां पर भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखोगे तो यहां 2y-x है, और हर जगह हमारा क्या x-2y, तो यहां पर हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या लिखा जा सकता है x² (x-2y). हो गया ये। अब देखो सब जगह के हमारे पास x-2y आ गया, तो x-2y कॉमन ले लिया, x-2y यदि हम कॉमन लेते हैं ये क्या बचा x² + 3y² - z, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं है, बेकार बेकार से सवाल हैं, बस आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट, a - b(4) + b - a³। अब यहां पर देखो, यहां आपका a - b दिया हुआ है, यहां पर b - a, तो मैं क्या करूं यहां पर माइनस कॉमन ले लूं। चलो स्टेप वाइज कर दे रहा हूं, आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो, मैंने यहां पर माइनस लिया कॉमन,
तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब माइनस, जब यहां पर ये माइनस बाहर आ गया, क्यूब ऑड पावर होता है तो हमेशा माइनस का माइनस ही बाहर आता है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी होल पावर फोर माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। क्या कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, ए माइनस बी हो यहां पर माइनस वन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसमें हम क्या करें, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? गौर से देखो, गौर से देखोगे तो सारी चीजें आसानी से हमें दिख जाएंगी। माइनस, यहाँ 2 कॉमन ले लिया जाए माइनस का, तो क्या यहाँ पर ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बचेगा? जब यहाँ पर 3x माइनस 4 है, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 हम कॉमन ले सकते हैं। 3x माइनस 4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 3x माइनस 4, यहाँ पर माइनस 2 बचा, तो फिर कुछ नहीं बचा, सब कुछ आसानी से सॉल्व हो गया और ये आपका आंसर आ गया। लो, फैक्टराइजेशन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म्स। कई बार हम क्या देखते हैं कि आपको जो गिवन है उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, हम टर्म्स को यदि रीअरेंज कर दें तो डायरेक्टली हमें कॉमन फैक्टर दिख जाता है और हम उसे आसानी से फैक्टराइज कर लेते हैं। चलो पहले से बिल्कुल आसान से स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस 6b प्लस 3a प्लस 2ab। जब आप इसे ऐसे कुछ लिखा देखते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार इसमें तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, कुछ एक साथ कॉमन भी नहीं है, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ ऐसा देखे तो आप क्या करो, उसे पहले रीअरेंज करने की कोशिश करो। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर 2ab को इधर ले आए प्लस 2ab प्लस 3a प्लस 6b, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, आपको यहां पर a यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचा आपका, a प्लस a बाहर आ गया 2b। इसी तरीके से अब यहां आप देखोगे तो क्या कॉमन हमारा आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, इट कैन बी रिटन एज a प्लस 2b। तो ये क्या हो गया हमारा, a प्लस 2b इंटू ए प्लस 3। ये तो आपको करना आता ही हो, चाहे आप ऐसा करो a प्लस 2b दोनों में आप कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2b और यहां क्या बचा a और ये प्लस 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे आपको कहीं गिवन है ax माइनस by प्लस bx माइनस ay। अब आप इसमें यदि ध्यान से देखोगे तो यदि यहां पर हम ax माइनस इस ay को इसके पास ले आओ, इसे ऐसा लिखा जा सकता है ax माइनस ay प्लस bx माइनस by। सिर्फ हमने क्या किया, उनको रीअरेंज कर दिया। अब इसमें देखो आपको क्या कॉमन है, यहाँ a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस y प्लस, यहाँ पर आप b कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस y। अब दोनों जगह x माइनस वाई कॉमन है, यदि x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, ये बचा आपका a और ये बचा हमारा प्लस बी। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ट्राई करो इसे, क्या कैसे करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसे अपनी कॉपी पर सॉल्व करो, फिर बाद में आप आंसर को मैच कर लेना, करो जल्दी। हम इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये क्या लिखा जा सकता है, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब देखो हम इसे क्या करें, ए बी सी स्क्वायर के साथ में बी स्क्वायर सी को लिख देते हैं प्लस, ये हो गया हमारे यहां पर
ए बी प्लस ए स्क्वायर सी। यहां देखो आपका क्या कॉमन है, यहां पर आपका बी सी कॉमन आ जाएगा। यदि हम यहां से बी सी कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा हमारा ए इंटू सी, प्लस यहां पर हमारा क्या कॉमन बचेगा बी। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है आपका ए कॉमन है, तो ये बचा आपका बी प्लस ए सी। तो ये भी हमारे यहां पर बी प्लस ए सी है, ये भी हमारा बी प्लस ए सी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज बी सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए सी और ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस ए सी। अब आप लोग आंसर मैच करो कि आप लोगों का आंसर सही है या नहीं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ए वाई माइनस ए एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, देखो यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करोगे सभी में तो बड़ा आसान है। कैसे, चलो पहले मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ए एक्स प्लस ए वाई प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई। अब आप लोग सोचोगे सर ने ऐसा क्यों लिख दिया, देखो मैं यहां पर यदि x कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा x माइनस वाई, यहां पर यदि मैं माइनस ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x माइनस वाई, यहां पर यदि 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x माइनस वाई। अब सब जगह देखो x माइनस वाई कॉमन है, तो x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा x माइनस ए प्लस फोर। नाउ दिस इज योर आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। इसे हमें फैक्टराइज करना, कैसे करेंगे इसे फैक्टराइज, लोग करके देखते हैं। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी प्लस 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 प्लस। अच्छा देखो अलग अलग कर दूं, मैं इसे क्या करूं अलग से लिख दूं 1 प्लस ए। चलो पहले इसे रीअरेंज कर देते हैं, 1 प्लस ए को एक जैसा लिखा रहने दिया, यहां हम क्या करेंगे इनको दोनों को एक साथ लिख दिया बी प्लस ए बी। इसके बाद हम क्या करते हैं सी प्लस सी ए को एक साथ लिख देते हैं, तो सी प्लस सी ए और फिर बी सी प्लस ए बी सी। आप भी सोच रहे हो पता नहीं सर क्या नौटंकी कर रहे हैं। अब देखो बड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, ये आपका 1 प्लस ए है, इसे ऐसे लिखा रहने दो, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 1 प्लस ए। यहां देखो यदि हम b कॉमन ले लें तो प्लस का b कॉमन लिया तो देखो क्या बचा हमारा 1 प्लस ए। इसी तरीके से आप यहां पर c कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस ए, और यहां पर हम बी सी कॉमन ले लें तो फिर से क्या बचेगा हमारा 1 प्लस ए। तो ये आपका 1 प्लस ए, ये भी 1 प्लस ए, यहां पर भी 1 प्लस ए, सभी टर्म्स में आपका 1 प्लस ए कॉमन है, तो 1 प्लस ए हमने बाहर ले लिया कॉमन। तो 1 प्लस ए यदि हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचा 1, ये बचा प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। चलो अगला करते हैं, हमें दिया है x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 20x, क्या करें इसे, चलो करके देखते हैं। हमें दिया हुआ है x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 20x। चलो इसे सॉल्व करो, इसे एज इट इज लिखा रहने दो, x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, यहां पर आप कॉमन ले लो
टेन एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस टू। अब देखो यहाँ पर आपका x प्लस टू कॉमन है, यहाँ पर भी x प्लस टू कॉमन है, तो x प्लस टू हम इसे बाहर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, और ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये हो गया हमारा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। अब चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है, वैसे हमें यहाँ पर एक जरूरत नहीं है, ये एनफ है हमारा, वैसे हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab, हाँ 10x। तो अगला देखो 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, इसे हम कैसे सॉल्व करें। चलो पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं आप लोगों को बताऊं, बड़ा आसान सा है। दिया हुआ है हमें 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। तो देखो रीअरेंज करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख दो, किन दोनों को एक साथ लिखने, कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, जिसमें कुछ कॉमन दिख रहा हो। इनको हमने एक साथ लिख दिया और इनको लिख दिया माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc। चलो इन दोनों में आप क्या कॉमन देख सकते हो, 6a इज कॉमन, तो ये बचा आपका b प्लस 2c। यहाँ यदि मैं कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन लूँ, माइनस का b कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा आपका b प्लस 2c, तो ये क्या बचेगा 6a माइनस बी इंटू बी प्लस 2c। तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc।